BSS एनिमेशन प्रेजेंटिंग बाओ। कहानी की शुरुआत में हमें एक चाइनीज कपल को दिखाया जाता है। दोनों ही काफी सीरियस और उदास लग रहे होते हैं, क्योंकि ये लोग अभी नए नए कनाडा शिफ्ट हुए हैं, तो शायद इन्हें सेटल होने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। आदमी जॉब पर जाता है और लेडी घर के काम करती है। यहाँ पर लेडी अपने हस्बैंड के लिए मोमोज बना रही होती है। ये एक चाइनीज डिश है जिसको बाओ भी कहा जाता है। यहाँ ये लेडी मोमोज बनाकर अपने हस्बैंड के सामने लाती है। वो ऑफिस के लिए लेट हो रहा होता है, इसीलिए जल्दी से थोड़े से मोमोज खाकर ऑफिस चला जाता है। और जब वो थकी हुई लड़की वो मोमोज खाने लगती है तो एकदम से उसको कुछ फील होता है, जिसको वो खाते ही एकदम से रुक जाती है। और जब वो लेडी मोमोज को अपने मुंह से थूकती है तो वो एक कटोरी में जाकर गिरता है। उसमें तो जैसे जान आ गई हो, उसके छोटे छोटे हाथ पांव निकल आते हैं और वो रोने लगता है, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह। साथ ही वो खुश भी हो जाता है, जैसे कि वो उस लेडी को अपनी माँ मानने लग गया हो और उसके फेस के साथ अपना फेस रब करने लगता है, जैसे छोटे बच्चे अपनी माँ के साथ करते हैं। उस लेडी का भी कोई बच्चा नहीं होता, इसलिए वो उस मोमो को अपना बेटा बना लेती है। वो इसके साथ बिल्कुल इसी तरह रहने लगती है जैसे कोई अपने बच्चे के साथ रह रहा हो। वो उसका ख्याल रखती है, उससे इतना प्यार करती है जैसे ये उसका असली इंसानी बेटा हो। और साथ ही साथ वो बाओ को बड़ा होते देख बहुत खुश भी होती है। वो उसकी हाइट को भी मेजर करती है, साथ ही में उसको फीड भी करती है। जब कभी भी उसको बाजार जाना होता था तो वो बाओ को कभी घर अकेला नहीं छोड़ती थी, बल्कि वो हमेशा उसको अपने साथ रखती थी। एक दिन लेडी और बाओ प्लान करते हैं कि वो मार्केट जाएंगे और कुछ स्वीट्स खाएंगे। बाओ को अपनी मॉम बहुत अच्छी लगती थी और इनकी बॉन्डिंग भी अब काफी मजबूत हो चुकी थी। अब जैसे जैसे बाओ बड़ा हो रहा था, लेडी को इस चीज की फिक्र थी कि वो मैदा से बना है और काफी वीक है। वो अक्सर भागते भागते गिर जाता था या फिर मेल्ट होने लगता था। अगर उसको कोई चीज लग जाती थी तो उसकी शेप बिगड़ जाती, इसीलिए वो लेडी हमेशा कोशिश करती थी कि वो इसके साथ ही रहे, क्योंकि वो हमेशा उसको ठीक करती रहती थी। इसीलिए वो बाओ से कहती है कि वो उसके साथ एक्सरसाइज और योगा करने जाए ताकि वो अपने शेप में रहे। पर एक दिन कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं, बाओ भी उनके साथ खेलने की कोशिश करता है और जब उनके साथ जाता है तो उसको ही फुटबॉल लग जाता है और उसकी शेप खराब हो जाती है। वही हुआ जिसका डर था। वो लेडी बाओ को उठाती है और उसका शेप ठीक करती है और उसको अपने पास बैठा लेती है। बाओ बहुत जिद करता है कि उसको उन बच्चों के साथ खेलना था, पर वो लेडी उसे नहीं खेलने देती और उसको ठीक करते हुए ट्रेन में अपने साथ घर ले आती है। अब वो अपनी माँ से नाराज होकर ट्रेन में दूसरी ओर मुंह करके बैठ जाता है, जो अब बाओ का रूटीन बन चुका था। वो हमेशा चाहता था कि वो बाहर निकले, लेकिन उसकी माँ उसको बाहर जाने ही नहीं देती थी। लेकिन फिर भी वो चुपके से उनकी नजरों में आए बिना ही घर से बाहर निकल जाता है। अक्सर उसकी मॉम उसको ढूंढती थी पर वो नहीं मिलता था। उसकी माँ उसका काफी घंटे इंतजार करती थी, पर बाओ तो जैसे अब केयरलेस हो चुका था। उसे बाहर की दुनिया इतनी अच्छी लगने लगी थी कि वो अपना ज्यादातर समय बाहर ही बिताता था। अब एक दिन वो लेडी बाओ के लिए उसका फेवरेट खाना बनाती है। उन्हें वो खाना बनाने में काफी समय लगा था और वो खाना देखने में इतना टेस्टी लग रहा था कि अगर कोई और होता तो वो फौरन से खा लेता, पर बाओ उसको खाने से मना कर देता है। बाओ उस खाने की तरफ ध्यान ही नहीं देता और बाहर चला जाता है। वो लेडी उसको बहुत रोकती है पर वो भाग जाता है। इससे उस लेडी का दिल बहुत दुखता है। जो खाना उन्होंने बनाया था, गुस्से में आकर वो खुद ही उसको खा जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसका इंतजार कर रही होती है कि तभी उनकी डोरबेल बजती है। वो लेडी जब दरवाजा खोलती है तब बाहर बाओ खड़ा होता है और वो काफी खुश लग रहा होता है। वो अपने साथ एक लड़की को लाता है। वो लड़की अपने हाथ में पहनी हुई उसको रिंग दिखाती है, यानी बाओ ने और उस लड़की ने शादी कर दी है बिना उस लेडी को बताए। बाओ की माँ को इस चीज का बहुत दुख होता है कि आज तक वो बाओ के साथ अच्छी रहती आई है, पर बाओ ने उसका क्या सिला दिया। बाओ बताता है कि वो सिर्फ यहाँ पर अपनी बीवी को दिखाने आया था और अब अपना सामान लेकर वो वहाँ से जा रहा है। बाओ अपना सारा सामान पैक करके वहाँ से जाने लगता है, पर लेडी को बहुत गुस्सा आता है और वो दरवाजा बंद कर देती है और बाओ से कहती है कि तुम अब कहीं नहीं जाओगे, तुम हमेशा मुझसे बदतमीजी करते आए हो, पर कम से कम अपनी माँ को छोड़कर तो मत जाओ। पर बाओ उनकी एक नहीं सुनता और घर छोड़कर जाने लगता है, इसीलिए अब वो लेडी गुस्से में आकर बाओ को खा जाती है।
पर उसने बाव को मोमो समझकर खा तो लिया, पर अब उसको एहसास होता है कि उसने अपने बेटे को खो दिया है। वो कभी वापस नहीं आएगा और अब वो खामोश रहने लगती है। वो हमेशा रोती रहती है। उसका हस्बैंड भी पूछता है कि तुमको क्या हुआ है, पर वो उसको कुछ नहीं बताती। पर एक दिन वो लेडी सो रही होती है, तब वो देखती है कि बाव उसके सामने है, क्योंकि वो सोकर उठी थी इसलिए वो सही से देख नहीं पा रही थी। और जब अपनी आंखों को वो रब करती है तो वो देखती है कि उसके सामने एक इंसान खड़ा था जो कि सच में बाव जैसा ही लगता है। और यहाँ पर रिवील होता है कि ये इनका ही बेटा था जो काफी सालों पहले इनको छोड़कर चला गया था। और अब जब उसको एहसास हुआ तो वो अपने माँ बाप से माफी मांगने आया था। उस लड़के के फादर उसको उसकी माँ के कमरे में धक्का दे देते हैं और कहते हैं जाओ जाकर माफी मांगो। वो माँ के पास जाकर बैठ तो जाता है, पर उसकी माँ उससे बात नहीं करना चाह रही थी, इसीलिए वो दूसरी ओर मुंह करके लेट जाती है। और पता चलता है कि जो बाव था वो बस उनकी इमेजिनेशन थी। वो अपने बेटे को बहुत मिस किया करती थी और हमेशा उदास रहती थी। जिसके बाद वो लड़का उनके सामने एक बॉक्स रखता है जिसमें उसकी फेवरेट डिश होती है। ये वही डिश थी जब एक बार इसकी माँ ने बस में उसको खाने के लिए ऑफर की थी, पर उसने खाने से मना कर दिया था, जिसको वो आज अपनी माँ को देता है और कहता है कि ये मैं आपके लिए लाया हूँ। मैं माफी मांगता हूँ कि मैं आपको छोड़कर चला गया। मैं समझता था कि हमारी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है। लेडी का दिल ये सुनकर मेल्ट हो जाता है और वो उसको प्यार करने लगती है। उसका लाया हुआ खाना वो उसके साथ मिलकर खाती है। यहाँ पर ये दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं और उसका लाया हुआ खाना वो दोनों साथ साथ खाते हैं। जिसके बाद हमको ये दिखाया जाता है कि इस लेडी का बेटा अपनी वाइफ को भी यहाँ पर लेकर आया था। और जब ये सारे मिलकर हंसी खुशी काम करते हैं तो वो सारे मोमोज खाने लगते हैं। साथ ही में वो लेडी इन सबको मोमोज बनाना भी सिखाती है। और उस लेडी के हस्बैंड सबको इस तरह देखते हैं तो इसका मतलब उन्होंने सब अप्रूव कर दिया है। अब ये फैमिली हंसी खुशी रहने लगती है, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि बाव की ये एनिमेटेड मूवी आपको पसंद आई होगी।